गौरव आडिया जवाब दे रहे हैं। अरे ऑफ कर दीजिए, ज्यादा घटिया लग रहा तो टाइम नहीं वेस्ट करिए। हाँ गौरव आडिया जी, सुशील जी आ रहा हूं, कमिंग सर। देखिए ऐसा है, चारा घोटाला पार्टी, इनसे तो ये बताना आवश्यक है, इनकी पार्टी भी कभी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाई, जैसे समाजवादी पार्टी वैसी चारा घोटाला पार्टी। और यहाँ पे आके पिछड़े समाज की बात करते हैं ये लोग। इनको ये भी नहीं पता है कि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ, सेंसस नहीं सर्वे, वो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में थी तब शुरू हुआ, और जब सर्वे को सार्वजनिक किया गया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया। लेकिन इनकी याददाश्त चली जाती है, गजनी है, इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता। ओके, मैं AIMIM के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एक और विचित्र बात करी जो दर्शाता है कि राहुल गांधी की ही श्रेणी में है, संविधान पढ़ा नहीं है। इन्होंने कहा कश्मीर में जब PDP के साथ सरकार थी भाजपा की, तो SC ST को आरक्षण क्यों नहीं दिया। इनको ये भी नहीं पता है उसके लिए अनुच्छेद 370 को संशोधित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि रिजर्वेशन हो नहीं सकता था। जब 2019 में संशोधित किया उसके बाद आरक्षण की शुरुआत हुई। लेकिन जो लोग आज कहते हैं पिछड़े समाज को मजबूत किया जाए, कांग्रेस हो चाहे AIMIM हो, सपा हो, आप हो, ये लोग अनुच्छेद 370 का विरोध कर रहे थे, तो इसलिए इनका दोहरा चरित्र है। तीसरी बात, बाहरी। देखिए भाजपा की स्पष्ट नीति है, NDA की स्पष्ट नीति है, भारत में हम सब एक पहचान रखते हैं, भारतीय चतुर्वेदी, और हम सब नागरिक है, कोई भारी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर गुजरात के दो नेता उत्तर प्रदेश में जाते हैं और जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो अखिलेश यादव कहते हैं गुजरात के गधे आ गए। इसी तरह से चन्नी मुख्यमंत्री थे पंजाब में, प्रियंका वाड्रा गांधी हंस रही थी जब वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हम यहां से बाहर फेंक देंगे, भारियों को आने नहीं देंगे। ये क्या दर्शाता है, इनके लिए रोहिंग्या जो कि नागरिक नहीं है वो अपने हैं, वो अंदर के हैं, भारतीय नागरिक बाहरी हैं। और कश्मीर पे एक बात कह दूं, राहुल गांधी एक आतंकवादी की नजरों में देखते हैं और कहते हैं आतंकवादी को मैंने देखा, उसने मुझे देखा, इलू इलू हो गया, और मैं जानता था वो आतंकवादी है। अरे भैया पुलिस को रिपोर्ट करना था, लेकिन आतंकवादी को इलू इलू कह रहे। गौरव जी, ये है राहुल गांधी। आज कश्मीर में किसी की मजाल नहीं है कि पत्थर चला सके, आज कश्मीर में शांति है, आज वहां पे निवेश हो रहा है, वहां रोजगार आ रहे हैं, और यही बात इनसे देखी नहीं जा रही है। ओके सुशील पंडित सर, थोड़ा टाइम कम है, माफी चाहता हूं जी। ऐश्वर्या जी, एक तथ्य इस बात को समाप्त कर देगा इस पूरी बहस को। कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने अपना बेटा ना खोया हो भारत मां की रक्षा के लिए, कोई जिला नहीं है इस देश का। इस प्रदेश में पूरे भारत ने अपने बेटे अपने भाई खोए हैं रक्षा करते हुए। अगर वो अपने आप को बाहरी समझते तो क्यों जाकर के अपना वहां खून बहाते। एब्सोल्युटली भाटी जी, एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू के लिए वो पॉइंट टेकन। सुशील जी, भाटी जी बताइए, उत्तर प्रदेश का युवा जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है, शर्म की बात। उत्तर प्रदेश का भी ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें दो चार शहीद ना हुए हो हर लड़ाई में भारत की। बिल्कुल, तो वो कह रहे भारत ही है ना। विजय त्रिवेदी जी ने बात कही, बाहरी कैसे हो गए, सवाल बार बार उठा है। वैसे विजय त्रिवेदी जी बायस्ड पत्रकार नहीं है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। सतीश जी आज समय कम है, माफी चाहता हूँ। स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, आपने कहा कि भारत का कोई भी आदमी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। नियम ये है जिस सदन के लिए चुनाव हो रहा है उसका वोटर होना चाहिए, उसी क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, उसमें घर ले लेते हैं नेता। ऐश्वर्य पता है आपको, सुन तो लें आप, लोकसभा के लिए पूरा भारत क्षेत्र। अभी टेक्निकलिटी मत समझाओ, मुझे ये बताओ, मैंने RJD से पूछा सर, अभी नहीं विजय जी आज समय कम है, मैंने RJD से पूछा एक बात, उन्होंने मैंने RJD से पूछा जवाब नहीं दिया, मैं समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपकी दो सुनूंगा, उत्तर प्रदेश का युवा जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है, विधानसभा के लिए बाहरी, उत्तर प्रदेश का युवा जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है, नगरपालिका, उत्तर प्रदेश का युवा जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है, विधानसभा के लिए बाहरी, जनता सुने, विधानसभा के लिए बाहरी है, नगरपालिका के लिए बाहरी है, लोकसभा के लिए पूरा। दिस डिबेट विल कंटिन्यू, बाहरी बना दिया, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश
किया जा रहा है बात को। समाजवादी पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश का युवा जम्मू नहीं कह रहे हैं आप, तो क्या कह रहे हैं आप? बिस्कुट मत करिए। तो क्या कह रहे हैं? करिए बिस्कुट मत करिए। अरे तो सही कोट कर दो। अगर उत्तर प्रदेश का आदमी हरियाणा में जाकर विधानसभा लड़ेगा, अरे किसने कही विधानसभा? राहुल गांधी ने विधानसभा कही क्या? कश्मीर राहुल गांधी ने विधानसभा कही? राहुल गांधी ने इलेक्शन का, राहुल गांधी ने कहा आप कब ऐसा बाहर लेके जा रहे हैं ऐसे कैसे? अरे राहुल गांधी ने विधानसभा की बात की, ऐसे कैसे? यही तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी ऐसे कैसे? जवाब सुनो। अरे आप तो दीजिए जवाब जल्दी, 10 सेकंड। राज्यपाल बाहर का हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को? जो ये नहीं कह रहे थे शासन राज्यपाल से क्यों चलवाया जाए? दर्शकों मैं ये कह रहा हूं, हम भारतीय हैं, हम सब साथ हैं, ये घुमा रहे हैं। दिस डिबेट विल कंटिन्यू, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा। यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब अलग अलग प्रदेश से होंगे, हो सकता है कोई बाहरी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।